संहिता के मद्देनजर इंदौर के AICTSL प्रबंधन द्वारा 6 अक्टूबर से बस पास सुविधा की छूट कम करने पर 30,000 बस यात्री परेशान हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने देश में हो रहे चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। देश में हो रहे मतदान केंद्र में उपयोग होने वाली EVM मशीन पर अब ऑनलाइन नजर रखी जाएगी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वोट बैंक के लिए शाम की नर्मदा आरती को दोपहर में किया गया। मतदाता सूची के आरोपों के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में BSP के अड़ियल स्वभाव के कारण BJP को फायदा मिलेगा। गुजरात में UP बिहार लोगों पर हमला, कांग्रेस बोली PM को भी वाराणसी जाना है। कांग्रेस ने कहा आचार संहिता से पहले सरकारी कामों की जांच करे चुनाव आयोग। आचार संहिता के बाद इंदौर में हूटर वालों पर कार्रवाई की जा रही है। राहुल गांधी का सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला, परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव के साथ बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू भी जाएंगे। इंदौर कलेक्टर का ऐलान, रात में 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और DJ नहीं बजाया जाएगा नवरात्रि में। आयुष्मान भारत के तहत पहली बार इलाज के लिए आधार जरूरी नहीं।